भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल के नए खरीदारों के लिए साल 2023 खुशखबरी लाया है। अब दोस्तों भारतीय बाजार में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, चाहे हम इलेक्ट्रिक बाइक्स की बात करें, स्कूटीज की बात करें या कार्स की बात करें, अब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सस्ती होने वाली है, क्योंकि भारत सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बहुत भारी छूट मिलेगी। अब दोस्तों आखिर क्या हुआ है भारत के अंदर और कितनी छूट मिलेगी और कब से मिलेगी, सारी बातें जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो यहाँ पे छूट मिला है ये लिथियम आयन बैटरीज पे सरकार दे रही है। दोस्तों बता दूं भारत के अंदर करंट टाइम में कोई भी लिथियम आयन बैटरीज भारत में डायरेक्ट नहीं बनती है। अधिकतर लिथियम आयन बैटरीज में लिथियम इम्पोर्ट होता है या फिर पूरा बैटरी इम्पोर्ट होता है, जिस पे दोस्तों 21% तक का GST लगाया जाता है। लेकिन सरकार ने बढ़ती हुई पॉल्यूशन को देखते हुए जनता को राहत दिया है और इस पे 13% का मात्र GST लगेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो मेकिंग कॉस्ट होती है एक गाड़ी की वो करीबन 10% गिर सकती है, जिसके वजह से दोस्तों हर बायर का गाड़ी खरीदते समय एक स्कूटी पर 10 से 12 हज़ार रुपये की बहुत आराम के साथ छूट मिलेगी। सरकार ने ये कदम दोस्तों बढ़ते हुए पॉल्यूशन को देखते हुए उठाया है, क्योंकि अगर अभी EV नहीं खरीदा गया तो देश की जो एयर क्वालिटी वो बस से बदतर होगी। इतना ही नहीं, सरकार ने बायोगैस पे भी सब्सिडी देने की बात की है। बायोगैस किसे कहते हैं, तो बायोगैस जो गोबर से गैस बनाया जाए, जो फलों से गैस, सब्जियों से गैस बनती है उसे बायोगैस कहते हैं। सर इनमें से नेचुरल गैस भी कहा जाता है कई देशों में। तो यहाँ पे कुल मिला के ग्रीन इंडिया बनाने के लिए सरकार ने काफ़ी अच्छी मुहिम उठाई है। तो ऐसे में अगर आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हैं तो ये साल बहुत अच्छा होगा और जो सब्सिडीज है वो मार्च से शायद शुरू हो जाएंगी मिलनी। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्या यहाँ पे सरकार का विजन है, तो मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। सन 2020 में $1.66 बिलियन का ये ट्रेड हुआ करता था, लेकिन सरकार ने फोरकास्ट किया कि बढ़ती हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग को देखते हुए सन 2027 तक ये मांग $4.85 बिलियन तक जाएगा। और अभी करंट टाइम में 14 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारत की सड़कों पर रोज दौड़ा करती हैं, जो कि बढ़कर आने वाले समय में 30 लाख गाड़ियों तक जाएगा। दोस्तों इस खबर के बारे में अपना क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वैसे वर्ल्ड न्यूज़ को अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब EV वर्ल्ड।